अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे, और ये मूली के पराठे की जो रेसिपी है पहले भी है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे है, लेकिन ये न्यू रेसिपी जो है मैं आपको, कल मैंने देखा था वो हमारी एक सिस बना रही थी मूली के पराठे, तो वो उनकी रेसिपी और थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने दोबारा से अपने चैनल पे ये रेसिपी भेज दूँ। हो सकता है किसी को ना पता हो, तो ये इजी तरीका है जो मैं बनाना चाह रही थी, तो शेयर कर दूँ आपसे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बनाना। ये इमरान खान को ना सलूट करते हैं पाकिस्तानी अवाम कि इस टाइम भी दिन के 2 बजे भी गैस नहीं है। तो मूलियाँ जो हैं वो मैंने कद्दूकश करके ना देगचे में डाल दिए, थोड़े छोटे वाले देगचे में, बड़े वाला देगचा नहीं है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा बड़े वाला है, लेकिन छोटे वाला देगचा, और वो भी लकड़ियों पे। देखें ये हो रहा है जी हमारा काम लकड़ियों पे। इसकी मैं कौन सी चीज़ है जी, ये धनिया, और इसके साथ जो है वो मैंने काटा है लहसुन, ये धनिया है फ्रेश फ्रेश, तो इसके साथ ये वाला धनिया है, ये देखें धनिया। धनिया नहीं, वो लहसुन था, सॉरी धनिया भूल गई। अच्छा समझ भी नहीं आती ना कुछ चीज़ों, ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसका पता नहीं चलता, याद नहीं रहती। तो ये अब जो है मैं इसमें डालूँगी मूली के पराठे में। वाह फ्रेश धनिया भी फ्रेश, और इसके साथ जी क्या होता है लहसुन भी फ्रेश। एक बात मैंने नोट की है कि जो फ्रेश साग होता है ना उसी टाइम का अगर आप काट के ले आए उसी टाइम बनाए तो वो बाकी में उसमें जो मज़ा होता है ना वो एक अलग ही होता है, और वो जल्दी ही बन जाता है। मैंने ये नोट किया है कि वो जल्दी बन जाता है। और मज़े की बात कि मुझे देख के ना कि मैं तो हर साल घर में लगाती हूँ ना सब्ज़ी वगैरह छोटी मोटी जो होती है, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, और मूली हो गई, गाजर हो गई, इसके साथ बाकी जो वेजिटेबल हैं इसमें आते हैं, क्या भला आता है ये प्याज लहसुन वगैरह वगैरह वगैरह, तो मुझे देख के ना अब सारे ही अपने घरों में लगा रहे हैं तो मैंने कहा ठीक है लगाओ, अच्छी होती है लगानी। ये मैंने बना ली, काट ली है, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, ये खुद ही जो मूली का पानी है ना उसी में बन जाएंगी। तो ये कलर चेंज हो रहा है इसका, देखें बिल्कुल इसका पानी जो है वो मैं खुश्क कर लूँगी, अभी तक तो है इसमें पानी, खुश्क जब हो जाएगा फिर मैं बताऊँगी कि मैंने इसको कैसे पराठे बनाने हैं। बहुत मुश्किल है ये इस पे लकड़ियों पे ना काम करना, इसका पानी जो बिल्कुल खुश्क हो गया है, अब इसको उतार लूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी मैं इसको। ठंडा होने के लिए जो है वो मैंने रख दिया था फ्रिज में, तो अब इसमें जो है वो बाकी धनिया और सारा मिक्स हो गए हैं, तो इसको काट के ना सारी जो पुदीना नहीं लहसुन और बाकी जो प्याज और धनिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो जब आप ऐसी तर सब्ज़ी डालें ना इसमें, वेजिटेबल कोई भी डालें, अच्छी तरह से उसे खुश्क कर दें। अब मैं ऐड करूँगी इसमें गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, और साथ में जो है क्या ले आए कौन से, मूली का पराठा, मूली का पराठा
इसमें मैं शामिल, मैं देखिए काली मिर्ची पाउडर थोड़ा सा और थोड़ी सी लाल मिर्ची, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, और साथ में हल्दी पाउडर। इनको मैं मिक्स कर लूँगी। हाथों से इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। जितने आप मसाले इसमें ऐड, मुझे नहीं पता ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं, जितना आप स्पाइसी बनाना चाहें। किसने? अच्छी तरह से इसे आटे को बना ले आप। ये आटा मैंने बना लिया है, तो अब जो है वो तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी। छोटा या आप जितना भी पेड़ा बनाना चाहे ना, मैं तो इतना थोड़ा सा आटा लेके ना फिर उसको बेल लेती हूँ, फिर बनाती हूँ। तो पेड़ा जो है, अच्छा मम्मा देखती हूँ पेड़ा जो है वो मैं एक साथ 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 में वो बना भी रही हूँ पेड़ा, और साथ में बना ओ तवे पे भी इसको रोटी को डाल रही हूँ, क्योंकि गैस बहुत कम है इसलिए मुझे डर है कि हाँ घी वाला दो और अच्छा चार। ये देखिए जी मूली का पराठा जो है वो हमारा बन गया, साथ में जो है ये इसकी मैंने पुदीना की चटनी बनाई है, और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी पराठा बना है।